नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। आज दो तीन विषय पर आपसे बात करनी है। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज सरकार ने एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, और ये आर्थिक पैकेज चूँकि कोरोना का युग है, इस वक्त लॉकडाउन है देश में, दूसरी लहर आई है, उसमें करीबन 3 लाख लोग हमने खोए हैं और हमारी इंडस्ट्री बैठ गई है क्योंकि कारोबार बंद था, जगह जगह लॉकडाउन थे। तो उसको उभारने के लिए सरकार ने एक आर्थिक पैकेज की आज घोषणा की है। तो इसको हम एक मिनी बजट कह सकते हैं क्योंकि इसमें उन्होंने हर सेक्टर को इसमें शामिल किया है, और सरकार की इच्छा है कि जिन जिन सेक्टरों को ज़्यादा नुकसान हुआ है, जैसे टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है तो उसको प्रमोट कर किया है। हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें कि हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा मिले, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उसके लिए भी सरकार ने आज बड़ी घोषणा की है। 50,000 करोड़ रुपए उसके लिए अलग किए इंडस्ट्री के लिए, और खासकर जो छोटे हैं, जो छोटे उद्यमी हैं उनके लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम की घोषणा की है। तो इस तरह से टोटल जो आज अनाउंसमेंट की है वो लगभग 6,28,000 करोड़ रुपए की है। इसको हम नए पुराने सब जोड़ दें, इस सरकार ने जो 2021-22 का जो बजट था उसमें मिला के और जो आज उन्होंने अनाउंस किया उन सबको मिलाए तो करीबन 6,28,000 करोड़ रुपए बनते हैं। तो हम शुरू करते हैं इनके आर्थिक पैकेज से। जो पहला अनाउंसमेंट है वो है कि कुल 1,10,000 करोड़ रुपए का लोन होगा, उसमें 50,000 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर को मिलेंगे, 60,000 करोड़ रुपए और दूसरे सेक्टर को मिलेंगे, और 100 करोड़ का जो लोन होगा वो अलग होगा, सेपरेट होगा। जो दूसरा उपाय आज किया है, कुल 8 उपाय किए हैं आज वित्त मंत्री ने, निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 3 लाख करोड़ रुपए की घोषणा पहले की गई थी ECLGS में, और अब तक 2.69 लाख करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है 3 लाख करोड़ में से, और आज जो सरकार ने घोषणा की है वो है 1.5 लाख करोड़। ये अतिरिक्त दिए जाएंगे जो स्कीम चल रही है उस स्कीम के अलावा है, तो कुल हो गए 4,15,000 करोड़ रुपए हो गए। इसमें सर्विस सेक्टर शामिल हो गए। जो तीसरा उपाय है उसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत छोटे कारोबारी इंडिविजुअल NBFCs माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से 1.25 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इसका मुख्य मकसद है लोन का वितरण करना। इस पर बैंक के MCLR से अधिकतम 2% ब्याज जोड़कर लिया जाएगा, और बैंक की जो जो लोन की अवधि होगी वो 3 साल की होगी। सरकार गारंटी देगी। स्कीम का लाभ 25 लाख लोगों को मिलेगा, और 89 दिन के डिफॉल्टर समेत सभी प्रकार के उधार लेने वाले इसके लिए योग्य होंगे। राहत नंबर 4 में कोविड महामारी से प्रभावित रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड और ट्रेवल टूरिज्म स्टेक होल्डरों को सरकार वित्तीय मदद देगी। इसमें लाइसेंसधारी टूरिस्ट गाइड को 1 लाख रुपए और टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। ये 100% गारंटी होगी, सरकार इसकी गारंटी लेगी, और उसका जो लोन का प्रोसेसिंग होती है उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। तो चूंकि इसमें टूरिज्म सबसे प्रभावित क्षेत्र रहा क्योंकि लॉकडाउन था, लोग घर से बाहर नहीं निकले, तो जितने होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, मोटल हैं, जो साइट सीइंग हैं, जो टूरिस्ट गाइड हैं, वो सारे वो बेचारे इसमें बहुत खराब संकट से दौर से गुजर रहे हैं। तो राहत नंबर 5 है कि ये जो जो विदेशी लोग हमारे देश में आते हैं उनमें 5 लाख विदेशियों को वीजा मुफ्त जारी किया जाएगा, यानी उनसे जो वीजा के जो रकम होती है, शुल्क होता है, वो नहीं लिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर इस पर कहने वाली कि कोरोना काल में कोई टूरिस्ट कहीं नहीं जा रहा है, ना कहीं आ रहा है ना कोई जा रहा है, यानी डोमेस्टिक टूरिस्ट भी कहीं नहीं जा रहा है तो इंटरनेशनल टूरिस्ट भी नहीं जा रहा है। पर सरकार ने अच्छा काम किया कि 5 लाख लोगों को अगर वो फ्री वीजा देते हैं तो इसका मतलब ये कि कुछ लोग आने की कोशिश करेंगे, जैसे कि अभी केस कम हो गए हैं और लोग थोड़ा सा घर से निकलने शुरू हो गए, तो अगर 5 लाख लोगों को मुफ्त वीजा मिलता है तो हमारे टूरिज्म सेक्टर को जरूर बढ़ावा मिलेगा। राहत नंबर जो 6 है उसमें है कि लॉकडाउन में जो आम आदमी या कारोबारी तक डाउनलोड रही है
उसके लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च की थी सरकार ने, और उसमें 31 मार्च इसको बढ़ा के अब 31 मार्च 2022 कर दिया गया, जो अभी 30 जून को खत्म हो रही थी। इसमें 15,000 से कम वेतन लेने वाले कर्मचारियों के लिए पीएफ का भुगतान सरकार करती है, और कर्मचारियों के हिस्से का भी जो 12% है, 12% कंपनी देती है पीएफ में पैसा, 12% कर्मचारी की तनख्वाह से कटता है, तो ये दोनों 24% पैसा सरकार जमा करेगी। तो ये अभी 30 जून तक था इसका लास्ट डेट, अभी बढ़ के ये हो गया है आपका अगले साल तक। इकतीस मार्च 2022 तक, तो इसमें जो टोटल खर्चा आएगा वो 22,810,000 करोड़ रुपए से कुल खर्चा आएगा, और इसमें करीबन 58 लाख लोग लाभान्वित होंगे। राहत नंबर 7 जो है उसमें है किसानों के लिए 14,775 करोड़ रुपए का अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी, ये भी सरकार ने अनाउंस किया था, अभी कैबिनेट का डिसीजन होता, और इसमें 9,125 करोड़ रुपए की सब्सिडी केवल डीएपी पर दी जाएगी, और 5,650 करोड़ रुपए की सब्सिडी एनपीके पर दी जाएगी। ये दोनों खाद है, इन खादों पे सब्सिडी सरकार देगी, अभी सरकार ने, अभी कैबिनेट का डिसीजन होता है, ये पुराना डिसीजन है जो आज उन्होंने दोबारा से अनाउंस किया है। राहत नंबर 8, पिछले 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना लागू की गई थी, उसमें 80 करोड़ लोगों को लगभग 7-8 महीने तक फ्री राशन दिया था, और उस स्कीम को सरकार ने इस मई से लेके और नवंबर तक बढ़ा दिया है, यानी फिर 80 करोड़ जो गरीब लोग हैं हमारे देश में उनको मुफ्त राशन मिलेगी, और इस पे करीबन 93,000 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को बोझ इसमें पड़ेगा। तो इसमें जो लॉकडाउन के कारण मजदूर लोग घर चले गए थे, जिनका रोजगार छिन गया, उनके लिए ये बड़ी राहत की बात है। इसमें सरकार ने एक और काम किया है कि जो कर्मचारी जिनको कोरोना के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था, उसमें भी स्कीम आई थी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई कारोबारी जिसने अपने कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया है उनको दोबारा ले, और जो दोबारा जो उसका जो खर्चा होगा ईपीएफ का और जो दूसरे खर्चे होंगे उसको सरकार वहन करेगी, और जो कंपनी पुराने कर्मचारियों को वापस नौकरी पर लेगी उनको सरकार दूसरे बेनिफिट्स देगी, जो सरकार के दूसरे बेनिफिट होते हैं वो उस कहा था कि हम आपको अदरवाइज दूसरे बेनिफिट देंगे। तो देखते हैं कि इसका कितना असर भी होता है। और उसके अलावा आज एक और महत्वपूर्ण खबर है ट्विटर की और केंद्र सरकार की, इसमें आपने देखा होगा कि झगड़ा चल रहा है, जो इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन इशू की है उसको मानने को राजी नहीं है ट्विटर। तो ट्विटर ने आज एक और पंगा लिया सरकार से, अभी 2 दिन पहले उसने हमारा जो आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद हैं और कांग्रेस के नेता शशि थरूर का अकाउंट सस्पेंड कर दिया था, और आज उन्होंने जो भारत का नक्शा बताया उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दूसरा एक इंडिपेंडेंट देश बता दिया है, जो जानबूझ के पंगा करने वाली बात है। तो सरकार ने उसको नोटिस दिया है और बहुत सीरियस है इसमें सरकार, तो देखते हैं कि इसमें अगला कदम क्या होगा। और उसी इसी सिलसिले में ही आगे अगर आपको याद हो कि जब सरकार ने इसका इंटरमीडिएट का दर्जा वापस लिया था, तो तब इसने लोनी में गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, और उसमें दूसरे लोगों ने भी ट्वीट किया था, तो जिन जिन लोगों ने ट्वीट किया उन पर FIR हो गई, और जो हिंदुस्तान में ट्विटर के MD हैं मनीष उन पर भी FIR लॉज हो गई, तो उनको वो कोर्ट में गए कर्नाटक हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। तो अभी गाजियाबाद पुलिस सुप्रीम कोर्ट चली गई है कि हमें MD से पूछताछ करनी है, थाने में ले जाएंगे। तो आज MD मनीष भी आज सुप्रीम कोर्ट चले गए, उन्होंने कैविएट लगा दिया और उन्होंने कहा कि आप मुझे भी सुनेंगे, गाजियाबाद पुलिस को सुनने से पहले आपको मुझे सुनना पड़ेगा। तो ये लड़ाई मुझे लगता है कि लंबी चलेगी, लेकिन गाजियाबाद पुलिस का MD के खिलाफ FIR करना ये कहीं से जस्ता नहीं है, क्योंकि इसमें ट्विटर का रोल नहीं है, अगर कोई ट्वीट कर रहा है तो दूसरे लोग कर रहे हैं, जिन्होंने ट्वीट किया उनके खिलाफ FIR हो गई है, उनके खिलाफ जो एक्शन होगा होगा,
लेकिन एमडी को बुलाना ये मुझे लगता है उचित नहीं। तो मित्रों आज महत्वपूर्ण खबरें आज यही हैं और इसमें हम जो देखते हैं कि एक तो मध्य प्रदेश ने आज कहा है कि 10वीं के जो बच्चे हैं उनको किसी को फेल नहीं किया जाएगा, और ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनखड़ के बीच में झगड़ा चल रहा है, और आज तो उन्होंने कह दिया कि जगदीप धनखड़ जो है ये करप्ट हैं, 1996 की हवाला जैन डायरी में उनका नाम था। तो इस तरह से आज की महत्वपूर्ण खबरें यही हैं। तो आज हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि आप देखते रहिए, और आपके सुझाव हो तो सुझाव जरूर दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।